सभी त्रिजनों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से हम किस देवता का पूजन करें, तो आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास में क्या करें और क्या ना करें, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी को ज्ञात है, विगत दो दिवसों से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो चुका है और मार्गशीर्ष में हमने बताया कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु जी की जो तुलसी दल से पूजन करता है, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न रहते हैं। और मार्गशीर्ष मास में शंख पूजन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। शंख पूजन जो साधारण सा शंख रहता है आपके घरों में, यदि आप अघन मास में उसका पूजन करते हैं तो वह पांचजन्य शंख के बराबर हो जाता है। और हमने देखा है कि हमारे जो पूर्वज रहे, वह जब पूजा हो जाती थी घर में तो शंख का जल पूरे घरों में छिड़काव करते थे, सभी के ऊपर छिड़काव करते थे। तो बंधुओं, अघन मास में शंख पूजन करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्कंद पुराण के अंतर्गत यह आता है कि जब भगवान सभी देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी जी तो निकली थी, परंतु शंख भी उसी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तो एक प्रकार से लक्ष्मी जी और शंख भाई बहन हुए। तो जिस घर में शंख का पूजन होता है वहां पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो शंख पूजन हो गया। इस दिन बताया गया है नदी में स्नान का, अर्थात पूरे अघन मास में नदी में स्नान करने का भी एक बड़ा ही महत्व है। प्रातः काल आप अपने घर पर जो तुलसी है उन्हीं की मिट्टी निकाल लें, थोड़ी सी जहां पर तुलसी लगी है वहां से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लें और अपने शरीर पे पूरे में अच्छे से लगा करके नदी में स्नान करें। यदि यमुना नदी हो जाए तो बात ही क्या है, ये तो सोने में सुहागा होगी, क्योंकि मार्गशीर्ष माघ में अघन मास में यमुना नदी का बड़ा महत्व है। जब द्वापर में भगवान कृष्ण से गोपियों ने पूछा कि हे प्रभु, हमें विष्णु भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, तब भगवान कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण भगवान ने अघन मास में नदी स्नान करने की व्रत विधि उन्हें बतलाई थी, जिससे भगवान की प्राप्ति उन्हें हुई। तो आप सभी, यदि नदी है आप आपके पास में तो ये तो उत्तम है, यदि ना रहे किसी के पास, कभी होता है कि कोई, अब हर व्यक्ति यमुना नदी के पास तो बस नहीं सकता, तो यमुना जी का जल आप अपने घर पर ले आए और स्नान करते वक्त इसमें डाल करके स्नान करें, यह भी उत्तम माना जाएगा। यहां पर बताया गया है लक्ष्मी पूजन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अब संघ का पूजन तो है परंतु गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी की पूजन श्रद्धा भक्ति से करता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा उन पर प्राप्त होती है और वह घर धन धान से परिपूर्ण रहता है। अब यहां पर बताया गया है, ये तो हो गया कि क्या करें, दान का भी बड़ा महत्व बताया है कि आप दान में, जैसे अभी तो शीत ऋतु का माहौल है तो आप कंबल दान कर सकते हैं, मौसमी फल, सैया, भोजन, अन्न का भी बड़ा महत्व है, अन्नदान भी आप कर सकते हैं और पूजन सामग्री में दान कर सकते हैं आप, जैसे आसन, तुलसी का माला, चंदन,
और आचमनी, दीपक, वस्त्र, यह इस प्रकार से आप पूजन सामग्री भी ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि आप तेल मालिश अर्थात अघन मास में शरीर में तेल लगाकर भी स्नान करना बड़ा उत्तम माना गया है। तो आप प्रातः काल जब स्नान करते हैं तो अपने शरीर में तेल लगा करके स्नान करें, यह आपके सभी कष्टों से निवृत्ति के लिए है यह उपाय। अब ये बात तो हो गई कि क्या करें, अब क्या ना करें, तो वह बात आती है कि अघन मास में पूरे महीने भर आप जीरे का सेवन ना करें। जो जीरे आप सब्जी में, दाल में बघारते हैं, तो वह जीरे का आप पूरे महीने भर इस्तेमाल ना करें। और अन्नदान करना चाहिए जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। नियम पूर्वक जो अघन मास में व्रत करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस महीने में भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूजन का महत्व तो है, तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से आप अघन मास में व्रत करें और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए, ये बड़ा ही उत्तम मास है कि भगवान की प्राप्ति आपको हो जाए, इसलिए अघन मास का बड़ा महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए अघन मास से बड़ा कोई मास हो ही नहीं सकता। जो भक्त कृष्ण भगवान के उपासक हैं, तो वह इस महीने भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का जाप करते रहें, प्रातः काल स्नान करें और अघन मास के व्रत को परिपूर्णता से पूर्ण करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और आप सभी लोग धन धान से परिपूर्ण रहें। आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी लोगों को यह हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है वह सभी को ज्ञात होती रहे और सभी लोग धर्म से जुड़े, क्योंकि धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप सभी को ज्ञात है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जो हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर के अन्य धर्म में जाए। तो आप सभी का यह कर्तव्य है कि आप अपने प्रियजनों को भगवान की भक्ति में, उन्हें भगवान की भक्ति करना सिखाएं, जाप करना सिखाएं, पूजा पाठ करना सिखाएं, क्योंकि अघन मास में भगवान का कीर्तन और भजन जो व्यक्ति करता है वह भजन कीर्तन अक्षय हो जाता है, वह परम धाम को, भगवान के धाम को जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव से अघन मास के व्रत को परिपूर्ण करें और अपने घर में सुख समृद्धि से परिपूर्णता से रहें। और अघन मास में लहसुन प्याज भी ना खाएं, जिससे कि क्रोध आपको ना आए, क्योंकि भगवान स्वच्छता में, शांति में ही निवास करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, इस प्रकार आप अघन मास में व्रत करें और सभी लोग निरोगी रहें। सभी भक्तजनों को प्रेम भरा राधे राधे।